प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को तोहफों की बौछार के क्रम में शुक्रवार को बुंदेलखंड का रुख किया। उन्होंने महोबा के बाद वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती झांसी में सेना को मजबूती का आधार देने के साथ अटल एकता पार्क का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में गिना जाता रहा। आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा। जब हमें आजादी मिली तब हमारे पास अवसर था, अनुभव था। हमें तो अपने देश को सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यही आजादी के अमृतकाल में हमारा संकल्प और देश का लक्ष्य है। बुंदेले झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का हिस्सा बन रहा हूं। ये पर्व आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इससे यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान मिलेगी। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। साथियों, इसके साथ ही आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं का सहयोग किए गए हैं। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। की ओर से वीरांगना लक्ष्मीबाई को नमन करने के उपरांत प्रधानमंत्री का झांसी दौरा था कल, जहां पर प्रधानमंत्री जमकर बरसे। उन्होंने कहा, हमारा मंत्र मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड है। हम अब इतने समर्थ हो गए हैं कि दूसरे देशों को भी औजार देते हैं। प्रधानमंत्री का झांसी दौरा था, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम किया। उसके बाद झांसी में जनसभा को संबोधित करते हुए सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, हमारा मंत्र मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड है। एवरीथिंग हियर इज सेलिब्रेटिंग